अब ग्रामर का सजेशन है कि अगर ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ हैं और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो फिर उस ओ को भी हम उसको वही रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हमेशा लगाया करेंगे ईएस। ऐसे नाउन्स जिनके अंत में ओ हो और प्रीसीडेड उसके पहले आ रहे हैं कोई ना कोई कॉन्सोनेंटल लेटर, तो हम उस नाउन में ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे मॉस्क्वीटो, जैसे जैसे हीरो, मॉस्क्वीटो, हीरो, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें हमारे अंत में क्या है, ओ है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंटल लेटर है। तो इसमें मैंगो, ओ है, फिर जी लगा हुआ है कॉन्सोनेंटल। तो इस सारे नाउन्स, ऐसे एक नहीं हजारों नाउन्स हैं, ऐसे नाउन्स में हमेशा हम ईएस लगा करके प्लूरल बनाया करेंगे। फिर आगे ग्रामर कहता है कि अगर ऐसे नाउन्स आपके सामने आए जिस नाउन्स में ओ तो लगा हुआ है आखिर में, लेकिन उसके पहले कोई कॉन्सोनेंटल लेटर नहीं हो करके कोई वोवेल लेटर है, तो उस नाउन में आप क्या करेंगे, उस नाउन को उसमें आप एस नहीं लगाएंगे, उसमें आप केवल एस लगाएंगे। जैसे कक्कू, ऊ है, फिर उस ऊ के पहले भी अंत में ओ है, ओ के पहले भी हमारा एक एक वोवेल लेटर है, उसमें केवल एस लगाएंगे हम। जैसे रेडियो, ओ है, फिर ओ के पहले एक हमारा वोवेल लेटर है, उसमें भी एस लगेगा। जैसे स्टूडियो, ओ है और उसके पहले भी वोवेल लेटर है, तो यहाँ भी एस लगेगा। तो इस डिमार्केशन को, इस डिफरेंस को भी बहुत क्लैरिटी के साथ अपने जहन में रखना है। कन्फ्यूजन के तहत ये नियम उसमें लग जाए, वो नियम इसमें लग जाए, तो फिर गलतियां होना स्वाभाविक हो जाती हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे ग्रामर कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही होगा, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ही को हम वी में पहले बदलते हैं और तब उसमें ईएस लगा देते हैं। इसको समझना है, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ही दिखाई पड़े और उनको बनाना है प्लूरल, तो उसको हम वी में पहले बदल देंगे। एफ होगा तो भी में बदलेगा, एफ ही होगा तो वो भी में बदलेगा, और तब ईएस लगाएंगे। और ऐसे जैसे अब देखिए, लाइफ है, एफ ही है, इसका प्लूरल होगा, एफ ई को भी में बदल दीजिए और उसमें ईएस लगा। लाइव्स, वाइफ है, वाइब्स। लीफ है, एल ई ए एफ, तो एफ को वी में बदलिए, ईएस लगाइए, लीव्स। तो थीफ है, टी एच आई ई एफ, एफ को वी में बदलिए, फिर उसमें ये थीव्स। अब फिर आगे ग्रामर कहता है कि कुछ ऐसे भी हैं सिंगुलर नाउन जिनको आपको बदलना नहीं है वो एफ को वी में, और ईएस भी नहीं लगाना है। इसको भी ध्यान में रखना है कि उसमें केवल एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे प्रूफ है, तो प्रूफ्स हो जाता है, उस प्रूफ को के एफ को भी में बदल के एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हैंडकरचीफ है, उसमें एस लग जाता है, केवल प्लूरल हो जाता है। जैसे चीफ वर्ड है, सी एच आई ई एफ, इसका प्लूरल बनाना हो तो इसको भी हम केवल एस लगा करके बना देते हैं, चीफ्स। तो ये नियम हुआ कि सिंगुलर नाउन जो एफ ए आई पी से संबंधित हैं उनको कैसे प्लूरल हम बनाएंगे, और इसको बहुत डिस्टिंक्टिवली दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में फुल लगा होता है, तो ग्रामर सजेस्ट करता है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में फुल लगा हो, इसको प्लूरल अगर बनाना पड़े तो केवल उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। ऐसे शब्द है स्पूनफुल, तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्पूनफुल्स। जैसे हैंडफुल, तो हैंडफुल्स। जैसे कपफुल, तो कपफुल्स। माउथफुल, माउथफुल्स। तो कहने का मतलब कि फुल वाले जो शब्द हैं उनमें केवल एस लगाकर हम उनका प्लूरल बना देते हैं।
फिर प्लूरल बनाने के आगे के नियमों में ग्रामर सजेस्ट करता है हमको कि कुछ ऐसे शब्द हैं नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त जिसमें एपोस्ट्रोफीस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अभी एक नया इंक्लूजन हुआ नियम का, एपोस्ट्रोफीस लगाकर जनरली हम पजेसिव केस बनाते हैं। तो यहाँ फिर मैं हिदायत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूज ना करेंगे। एपोस्ट्रोफीस के द्वारा पजेसिव केस तो बनता ही है, तो हम केस के चैप्टर में चर्चा करेंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफीस के द्वारा प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है, ये भी हम अब जानकारी में आपको देना चाहते हैं और इसको क्लियरली आप रखें। अब जैसे इफ शब्द है, इसका प्लूरल बनाना हो तो इप्स हो गए, एपोस्ट्रोफीस लगा रहा हूँ। बट शब्द है, ये नाउन नहीं है लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है, इस्तेमाल होता है अंग्रेजी भाषा में। बट्स होगा, एपोस्ट्रोफीस से प्लूरल बनेगा। शैल है, शैल्स होगा, एपोस्ट्रोफीस से प्लूरल बनेगा। विल है, एपोस्ट्रोफीस लगा के इसके प्लूरल बनाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि एपोस्ट्रोफीस के द्वारा भी कुछ शब्दों को हम प्लूरल बनाते हैं।